जनधन अकाउंट, यानी कि दोस्तों अगर आप भी किसी भी बैंक में अपना अकाउंट जनधन योजना के अंतर्गत ओपन करवाए थे तो वहाँ पर एक लिमिट रहता है कि आप 10,000 रुपया के अंदर ही निकासी कर सकते हैं, एंड ये भी लिमिट रहता है कि आप 50,000 रुपये के अंदर अपने अकाउंट में रुपया जमा कर सकते हैं। तो ऐसे में आप परेशान हो जाते हैं, अगर आपको चाहिए 10,000 रुपये से अधिक रुपया निकालना तो कैसे लिखाने लेंगे। एंड ये भी मैं आपको बताऊंगा कि 50,000 रुपये से अधिक कैसे लिखेंगे, यानी कि दोस्तों अपने अकाउंट का वहाँ से लिमिट ख़त्म कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए आपको एक आवेदन देना होगा। सो आप यहाँ पर इसे आवेदन का फॉर्मेट रेडी किया हुआ है, सिंपली इसे प्रिंट आउट लेंगे और बैंक में जाकर देंगे। जो भी डिटेल्स यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है उसको आपको भरना होगा। तो डाउनलोड कैसे करना मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, सबसे पहले सीख लीजिए आप इसे कैसे भरेंगे। तो भरने के लिए आपको पहले स्टेप में यहाँ से पूछा जा रहा है कि श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, उसके बाद आपको क्या भरना। तो आप एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, मैं इसे यूको बैंक में आवेदन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे यूको बैंक, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। यूको बैंक लिखने के बाद आपके ब्रांच का मतलब कौन सा ब्रांच है, तो मेरा ब्रांच यहाँ से पटना है, मैं यहाँ से पटना भरता हूँ। तो इस तरह से आपको यहाँ पर भरना है यूको बैंक पटना। तो जो भी आप बैंक में दे रहे हैं उस बैंक का नाम एंड उस का ब्रांच कहाँ है, उस जगह का नाम आप यहाँ पर भरेंगे। उसके नीचे अपना नाम भरेंगे, जिस तरह से आप अपने अकाउंट में स्पेलिंग सही दिया है उस तरह से अपना नाम यहाँ से भरेंगे कैपिटल लेटर में, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद अपने पिताजी का नाम, आपका ग्राम कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, वो आप यहाँ से भर लेंगे। उसके बाद वहाँ से नीचे आते हैं तो आपका थाना कहाँ है वो आप भरेंगे, थाना प्लस प्रखंड जिला कहाँ है वो भरेंगे यहाँ पर। उसके नीचे आपको अकाउंट नंबर का भरने का ऑप्शन मिलता है, आपका जो भी बैंक अकाउंट पर नंबर दिया गया है, अपना खाता संख्या, वो आप यहाँ से बारीकी से प्रत्येक डिब्बे में भरेंगे। उसके बाद अपना आधार नंबर जो भी आपका 12 अंकों का है, उसके नीचे अपना मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो फिर से अपना नाम भरेंगे, अपने पिताजी का नाम भरेंगे, ग्राम का है वो भरेंगे, पोस्ट भरेंगे, थाना जिला, इस तरह से आप भर देंगे। उसके बाद आपको डायरेक्ट इस पेज पे आना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्लिक करके इस पेज पे आएंगे, उसके बाद वहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो आप यहां पर देखते हैं कि किसी भी बैंक अकाउंट में जनधन अकाउंट अगर आप ओपन करवाएं तो इसे आप रीड कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। उसके बाद वहां से नीचे आते हैं तो आप जो भी आवेदन लिखेंगे, आवेदन के साथ आप आधार कार्ड, पासबुक, पैन कार्ड, उसके अलावा आपका आवेदन होता है, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी होगा जो आपको पिनअप करना है। पिन मारने के बाद आप उसे अपने बैंक अकाउंट में जाकर जमा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, वो जो आप फॉर्मेट देखे थे आवेदन कार्ड डाउनलोड करने का, लिंक आपको यहां पर देगा। सिंपली आप क्या करेंगे, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से नया पेज ओपन होगा, थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप यहाँ पर देखते हैं कि आपको ये फॉर्म डाउनलोड करने का यहाँ पर आइकन दिख रहा होगा। क्लिक करके उस फॉर्मेट को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद जो 4 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया था यहाँ पर, इसके साथ आप अपने बैंक में जमा करेंगे तो आपका यहाँ से कुछ दिन के बाद आपका लिमिट वहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा, जहाँ पर आप 10,000 रुपये से अधिक निकासी एंड 50,000 रुपये से अधिक जमा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस वीडियो समेत आपके मन में कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स बन रहे हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, जिसका रिप्लाई आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों फिर से मिलते हैं नए दिन नए टॉपिक के साथ।